गर्ग ने कहा कि भरतपुर के विकास के लिए कांग्रेस का मेयर बेहद जरूरी है। कांग्रेस के पास पूरा बहुमत है और अब कांग्रेस बरसों पुरानी समस्याओं का निराकरण करेगी। भरतपुर नगर निगम को लेकर कई तरीके की बातें चल रही है। हालांकि चर्चा ये भी है कि खुद डॉक्टर सुभाष गर्ग इन तमाम पार्षदों के साथ थे और जो हमने तस्वीर दिखाई वहां मौजूद थे। हम अभी इनके घर आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। तमाम राजनीतिक कवायद जारी है। डॉक्टर गर्ग साहब, भरतपुर को लेकर तमाम तरीके की बातें हैं, भाजपा के कितने लोग साथ हैं? देखिए, भरतपुर नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो मैंडेट आया है उसके लिए मैं जनता को धन्यवाद भी देता हूं। गत चुनावों में कांग्रेस के केवल 11 पार्षद थे, इस बार 18 चुन के आए हैं। कुछ हमारे असंतुष्ट जो निर्दलीय हैं, जो काफ़ी संख्या में जीत के आए हैं, वो जीत के आए हैं। तो उस तरह से देखें तो हमें स्पष्ट बहुमत है और हम ये मानते हैं भरतपुर में कि जिस तरह से माननीय श्री विश्वेंद्र सिंह जी, मैं और भजन लाल जी सब लोगों ने, जिला अध्यक्ष, हमने मिलकर के जो मोर्चा संभाला उससे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से भरतपुर में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और कांग्रेस का मेयर बनेगा। लेकिन भरतपुर में भी एक साथ रह सकते थे, यहाँ जयपुर आए, जयपुर में एक स्थान पर तमाम लोग हैं आगरा रोड पर। अब मुझे इसकी तो जानकारी नहीं है कहाँ गए हैं वो, क्या है, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ वो सब एकजुट हैं और एकजुट होने की वजह से जो है वो सब मजबूत हैं। लेकिन कहाँ जयपुर आए हैं या अजमेर गए हैं या आगरा गए हैं या मथुरा गए हैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ करीब करीब 52 लोग कांग्रेस के साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भी आपके साथ आ चुके हैं, या कहें तो विचारधारा उन्होंने बदल ली है, या पहले विचारधारा कांग्रेस की थी बीजेपी के से टिकट? मैं समझता हूँ 25 वर्षों का जो नगर निगम में शासन था उसको जनता ने सोचा है, समझा है क्या हुआ है, प्लस जो पार्षद किसी भी पार्टी दल से रहे वो भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, अच्छा मेयर बने, भरतपुर का विकास हो। राजस्थान सरकार में हम 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री होने की वजह से क्या है कि एक जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है और मेरे को विश्वास है कि नगर निगम में जो भी मेयर बनेगा, जो भी हाई कमांड तय करेगा, वो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के इस भरतपुर को एक नया रूप देना चाहते हैं, उसकी शक्ल और सूरत भरतपुर की बदलना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।